श्रद्धावनत हैं, साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह वह क्षण है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था। साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सियाराम जय सियाराम। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Allahu Akbar, Allah. आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं, और अगर आप मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो यह याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने को आजमाइश में डाले, कोई भी नहीं चाहता कि गमों और दुखों में अपने को डाले, लेकिन अगर हमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां हमें पेश आएंगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेबानी। कल दिन भर आपने तमाम टीवी चैनल्स पर अंग्रेजी और हिंदी पर तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, श्री राम के मंदिर का आगाज हुआ, कि उसका कंस्ट्रक्शन अब शुरू हो गया है। और आपने नवंबर के महीने में 2019 में पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया कि जो बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन थी, 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद जिसको उठाया गया 1992 में, वो ज़मीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए। और उसके बाद से अब इस फैसले को एग्जीक्यूट करने यानी कि अमल में लाने की शुरुआत हुई। और मुस्लिम पक्ष को भी ये कहा गया कि 5 एकड़ ज़मीन उनको दे दी जाएगी किसी अन्य स्थान पर ताकि वो मस्जिद बना सकें। लेकिन कल का पूरा दिन हर उस व्यक्ति के लिए, हर वो शख्स जो कि भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में जो समझता है कि भारत का न सिर्फ के वर्तमान बल्कि उसका भविष्य भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसके लिए एक परेशान करने वाला दिन था। एक तरह से एक डार्क डे जिसे कहते हैं, एक अंधेरा दिन था। मैंने कल कोई कार्यक्रम नहीं किया, आपने कश्मीर पर मेरा एक कार्यक्रम देखा होगा, लेकिन अब जबकि ऐसा लगता है कि धूल थोड़ा थम गई है, टीवी चैनल्स भी शायद दूसरे सब्जेक्ट्स में, दूसरे विषयों में चले गए हैं, सोचा कि आपसे बात की जाए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का वो चेहरा, जब वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक ख़ास तरह के कपड़े पहनकर, माथे पे तिलक लगाकर और भूमि पूजन जब वो कर रहे थे, और एक दृश्य में तो उन्होंने मुकुट तक पहन लिया था, ऐसा लगा कि ये किसी भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक समुदाय का नेता है। ये कहा जाए कि एक हिंदू किंग है, एक हिंदू राजा है, किसी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में 130 करोड़ लोगों का नेता नहीं बल्कि ऐसे लगे नरेंद्र मोदी जैसे कि वो एक तरह से एक हिंदू किंग है। और इस तरह से दिखने में उन्हें कोई परहेज नहीं, बल्कि आप अगर देखें जो पब्लिक एक्सप्रेशन था उनका, जो पूरा सपोर्ट बेस है, जो उनका परिवार है, उनके लोगों का, उन्होंने ये कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि फ़िलहाल हम ऐसा नहीं मानते कि एक तरह से एक हिंदू राष्ट्र के स्थापना दिवस के तौर पर देखा गया जो कल का पूरा दिन था। लेकिन क्यों मैं आज इस बात को सामने रख रही हूँ, ये भी अहम बात है कि जो भारत है जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं, 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनमें 20 करोड़ से ज़्यादा वो लोग हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें मुसलमान कहा जाता है, वो लोग भी हैं जो ईसाई हैं, वो लोग भी हैं जो पारसी हैं, वो लोग भी हैं जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं और तमाम धर्मों के मानने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो धार्मिक समूह है, सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समूह है, वो है मुसलमानों का। और सबसे पहले एक अहम बात भी ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में 80 के दशक से लेकर अब तक जो मुकदमा पूरा चलता रहा उसमें भी एक पक्ष मुस्लिम था। इसलिए आज ये भी पूछने का वक्त है, पूछने की घड़ी है कि जो भारत का मुसलमान है, जो 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसकी भारत के जो धार्मिक लोकतंत्र, जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र रहा, जो अब लगभग प्रधानमंत्री की वो जो छवि बन रही है उसके बाद से, या जिस तरह से जानकारों की बात माने तो वो कह रहे हैं कि एक जो है वो हिंदू राष्ट्र के एक फाउंडेशन स्टोन की तरह लगा, उनका भविष्य क्या होगा ये देखना भी ज़रूरी है। मैं नहीं जानती कि हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो ट्विटर या फेसबुक पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे एक घटना ऐसी शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे बेहद परेशान किया। ट्विटर पर आप में से जो भी लोग होंगे वो देखते होंगे कि मेरी एक पत्रकार या भारतीय के अलावा जो मेरी धार्मिक पहचान है उसको लेकर लगातार निशाना बनाए जाने की कोशिश रहती है। मैंने देखा है कि कुछ लोग यहाँ पर मेरे कार्यक्रम के नीचे भी, मैंने देखा है कि YouTube के
नीचे भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, ज़्यादातर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ लेकिन कभी कभी पढ़ लेती हूँ। दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, कभी कभी मन होता है कि उनको जाके समझाऊँ कि जैसा वो समझते हैं मेरे बारे में, शायद मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ, उन्हीं की तरह हार्ड मास की बनी हुई वैसे ही भारतीय हूँ जैसे वो हैं। लेकिन ये मैं वाकई आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ट्विटर पर 4 अगस्त के दिन मैंने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें कहा कि किस तरह का भारत है मुझे पहचानने में नहीं आ रहा है, क्या ये वो भारत तो नहीं है जिसके लिए मेरे पुरखों ने, यानी मेरे और आपके पुरखों ने जिसके लिए कुर्बानी दी, जिसके लिए लड़ाई लड़ी। इस ट्वीट के बाद जिस तरह के हमले मेरे ऊपर हुए पिछले 5-6 साल में लगातार मैंने देखा है कि सरकार का विरोध करने की वजह से या फिर मेरी धार्मिक पहचान की वजह से, अलग अलग तरह से, अलग अलग वजह से इस तरह के हमले होते रहे। लेकिन ऐसा हमला शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा पिछले 6 साल में। न सिर्फ कि वो जो कि बिना पहचान वाले या बिना चेहरे वाले ट्विटर ट्रोल्स थे, बल्कि वो लोग जिनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स थे उसमें सिर्फ वो लोग नहीं थे जो भाजपा या आरएसएस के समर्थक हैं या सरकार की कोई भी आलोचना करने पर आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपको भीड़ की तरह वो घेर लेते हैं। उनके अलावा भी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि ये आपके पुरखे नहीं हैं, आपके पुरखों ने इस भारत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, ये हमारे पुरखे हैं और हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी थी आज वो साकार हो गई है और भारत एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आप इसमें जीना सीख लीजिए या फिर गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चले जाइए, उसने कहा चीन चले जाइए। लेकिन जिस हद तक आकर, जिस निम्न स्तर पर आकर इस ये हमला हुआ, इससे कहीं ना कहीं एक एक संकेत इस बात का मिलता है कि भारत धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से बदल रहा था। और एक दिन ऐसा आया जिसमें उस दिन का पूरा महत्व, उस पूरे 6 साल का ये महत्व समझ में आया कि कैसे भारत जो अपनी पहचान है एक धार्मिक, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी की, वो धीरे धीरे उतार रही है। तो ये अहम बात यहाँ समझने की है कि अब क्या भारत का भविष्य क्या होगा, क्या भारत का भविष्य एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है या नहीं। इसमें 2-3 मैंने पहलू देखने की कोशिश की और वो पहलू ये हैं कि अभी तक पिछले 5 साल की राजनीति, यानी 2014 से लेकर 2019 तक हमने ये देखा कि जो भाजपा की राजनीति रही वो सांप्रदायिक रही, एक समुदाय के खिलाफ अक्सर होती रही। 1 साल में पिछले हमने देखा कि उन्होंने कानून इस तरह के बनाने की कोशिश की गई जिससे कि जो हाशिए पे भारत का मुसलमान चला जाए या जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, वो हाशिए पे जाएं और संविधान जिस फॉर्म में है उसका चेहरा बदल जाए। और जिन भी लोगों ने उसको, उस पर विरोध करने की कोशिश की गई उनके खिलाफ हमले भी किए गए, ये हमने देखा पिछले 1 साल में। लेकिन उस 5 साल की राजनीति के अलावा अगर भाजपा की राजनीति को 1 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात है वो है जो भारत के लोकतांत्रिक संस्थान हैं, जैसे कि कोर्ट्स हैं, जैसे कि मीडिया है, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, धीरे धीरे उसका इतनी बुरी तरह पोलिटिसाइजेशन या कम्युनलाइजेशन हुआ है, उसका राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण इस तरह से हुआ है कि अब ऐसा लगता है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसको अपने से पूरी तरीके से अलग कर दिया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी को हमने देखा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर को एक तरह से उन्होंने एंडोर्स किया, या हम कहें कि इस पूरी बहती हुई गंगा में हाथ धोने की उन्होंने कोशिश की। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट का आदेश है, राम मंदिर बनना चाहिए था, कोर्ट में हो सकता है फैसला हुआ हो, इंसाफ नहीं हुआ हो, लेकिन भारत के 130 करोड़ लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और बनना चाहिए था। मेरा यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, जो मेरा एतराज़ है, वो इस बात से है कि एक तरफ कोर्ट के आदेश का पालन करना और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री का वहाँ जाकर भूमि पूजन करना और एक खास विशेष समुदाय के नेता के तौर पर अपने को प्रकट करना और उसमें विपक्षी पार्टियों का उस पर सवाल ना उठाकर बल्कि उसमें एक तरह से समर्थन दे देना। तो अगर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो विपक्ष है, जो मीडिया है, अगर वो सब एक तरह से एक ही आइडिया, एक ही विचार को समर्थन कर रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि जो भारत का मुसलमान है, जो सेक्युलरिज्म में, उसके लिए सिर्फ ये स्टडी का विषय नहीं है, उसके लिए लिखने पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि उसके लिए ये उसके अस्तित्व का सवाल है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा अगर भारत ये लोग अपना जो धर्मनिरपेक्षता का जो पूरा उसका कैरेक्टर है, जो पहचान है, अगर उसे एक किनारे रख देता है तो वो भारतीय मुसलमान का है कि क्या वो दोयम दर्जे के, दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर ज़िंदगी गुजारेगा जहां उसके वो अधिकार नहीं होंगे जो दूसरे नागरिकों के अधिकार हैं, उसे वो आज़ादी नहीं मिलेगी
जो दूसरे नागरिकों को मिली हुई है। तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अकेली ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां बची जिन्होंने इसका विरोध किया पुरजोर तरीके से। इसके अलावा किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस बात का विरोध कर सकते कि हमें प्रधानमंत्री के वहां जाने पर या इस तरह से एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर दिखने में हमें समस्या है। तो अगर कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टियां अपने कंधे से ये धर्मनिरपेक्षता का बोझ उतार रही हैं तो ऐसे में आखिर कौन स्टेक होल्डर्स कौन हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। और 27 साल बाद हम ये देख रहे हैं, 27 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय शर्म कहा गया, नेशंस शेम कहा गया। 27 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि जो एक राष्ट्रीय शर्म हुआ करती थी वो एक राष्ट्रीय गौरव के तौर पर दिखाई जा रही है, नेशंस ग्लोरी। तो 27 साल में इतना सफ़र हमने तय कर लिया है। ऐसे में खासकर ये ऐसे वक्त में भी हो रहा है, बहुत तकलीफ दे भी है, जबकि अभी कुछ ही महीनों पहले जो भारत में NTCAA प्रोटेस्ट हुए जिसमें बढ़ चढ़ कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और बाकी तमाम वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में, उन्होंने हाथ बढ़ाया और भारत के संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने का काम किया। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि जो NTCAA प्रोटेस्टर्स थे उनके पीछे किस तरह से पुलिस लगाई गई, उनको जेलों में बंद किया गया और अभी भी उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर भारत एक लोकतंत्र नहीं है, अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है तो क्या भारत फिर भी एक लोकतंत्र बचेगा? एक बात आप याद रखिए कि किसी भी लोकतंत्र के का जो आधारभूत ढांचा है, जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए बराबरी का होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी धर्म प्रधान देश, कोई भी दुनिया का धर्म प्रधान देश हो, चाहे वो इसराइल हो या पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो, ये कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर कभी भी जो तमाम नागरिक हैं उन्हें अपनी पहचानों से दूर बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए किसी भी लोकतंत्र में उसका धर्मनिरपेक्ष होना, पंथ निरपेक्ष होना बहुत ज़रूरी है। भारत तभी तक लोकतांत्रिक रह सकता है जब तक भारत जो है धर्मनिरपेक्ष होगा। तो ये भी आज भारत को ज़रूरत है कि हम सब लोग जिसका भारत के भविष्य में जिनका यकीन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने भारत के भविष्य में आज अपना ही नहीं बल्कि अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य देखते हैं, वो सब मिलकर बैठें और ये देखें कि क्या ये BJP और RSS का ही भारत बनेगा, यही हम सबका भारत है, हमारा सबका आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें सबका फ्यूचर सेफ होगा। क्या हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बने रहना चाहते हैं या फिर हम एक धर्म आधारित तानाशाही राज्य बनना चाहते हैं? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।